व रहमतुल्लाहि व बरकातहू प्यारे दोस्तों शायद ही मेरी नजर में आप में से कोई ऐसा बचा हुआ इंसान होगा जिसका कोई दुश्मन ना हो आप लोग भी अपने दुश्मनों से परेशान होंगे उनकी चालों से परेशान होंगे आपके दुश्मन आपको बर्बाद करने की फिराक में है और आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी आपके दुश्मन से हिफाजत हो या फिर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी दुश्मनी ही खत्म हो जाए या एक तरीके से मान लीजिए जो आपका दुश्मन है वो ही खत्म हो जाए तो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है मैं आप लोगों को एक ऐसा अमल बता आने वाला हूँ जो हर मुसलमान को कर लेना चाहिए हिफाजत के लिए कर लो बहुत से दुश्मन ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है कि ये सामने वाला बंदा हमारा दुश्मन है तो आप लोग इस अमल को कर लेंगे तो आपकी हर इंसान से हिफाजत होगी कोई इंसान कुछ बिगाड़ी नहीं पाएगा और सबसे खास बात बताऊँ इस अमल की सबसे खास बात यह है की अगर आपका कोई दुश्मन है और आप लोग इस अमल को कर लेते हैं तो वो आपके खिलाफ जो भी चाल चलेगा जैसे की मान लो वो आपके ऊपर जादू टोना करवाएगा तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो अगर आप ये अमल करे हुए वो जो भी करवाएगा आपके खिलाफ वो पहले उसके हक में जाए यानी कि अगर वो आपके ऊपर जादू करवा रहा है तो पहले वो जादू उसके ऊपर तो तबारक वाले से दुआ करता हूँ या जितने लोगों ने अभी इस वीडियो को लाइक किया मेरे मौला इन तमाम लोगों की हर बुरी चीज से हिफाजत फरमा और तू अपने महबूब हमारे प्यारे आका हजूर पाक सल्लाह वसलम के सदके में इन लोगों के दिलों में जो भी मुरादे हैं उनको तू अपनी बारगाह में फरमा ले आमीन ला आमीन हो सके तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे कि की आमालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन, कब कबूल हो जाए मैंने दिल से दुआ दी है आप लोगो को अब आपकी मर्जी है हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना वरना कोई बात नहीं है। अब आप लोग अमल करने का तरीका ध्यान ऐसी समझ लीजिए हर चीज एक तरीके आरोप डिपेंड होती है उसी तरीके ऐसी आप लोग इस अमल को करने का तरीका भी ध्यान ऐसी समझ ले गलती मत करना बिल्कुल भी इसमें जो हमारी माँ बहने इस वीडियो को देख रही है वो अपने शोहर की हिफाजत के लिए या अपने वालिद वालिदेन या अपने भाई की हिफाजत के लिए भी इस अमल को कर सकती है आपको करना ये होगा ईशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करनी है ईशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लेने के बाद आप लोगों को जानाज पर से नहीं उठना है। और सबसे पहले आप लोगों को तीन मरतबा शुरू में दर्द पाक पढ़ना है दुर्दे पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं उसके बाद ये जो आयत मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ईका न व का नस्त इस आयत को आप लोगों को सिर्फ इकतालीस मरतबा पढ़ना है उसके बाद एक अल्लाह तबारक वतला का नाम मुबारक या खालिको ध्यान से आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए या خالقو या खालिको इस तरीके से आप लोग इस, इस मुबारक को सौ मरतबा यानी कि हंड्रेड टाइम पढ़े और फिर तीन बार आखिर में द्रुदे पाक पढ़े वही द्रुदे पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था इतना वजीफा कर लेने के बाद आप लोग अपने सीने पर दम कर ले अपने सीने पर फूक ले सात दिन तक लगातार आप लोगों को इस अमल को करना है आप लोग अपने सीने पर दम करें अगर आप लोग किसी और के लिए इस अमल को कर रहे हैं तो उसके सीने पर जाकर दम कर दें बेहतर है घर का एक बंदा इस अमल को कर ले और घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन तमाम लोगों के सीनों पर जाकर दम कर दे अल्लाह तबारक बताला के हुक्म से सारे लोगों की हर बुरी चीज से हिफाजत होगी दुश्मन किसी भी घर के मेंबर का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा सात दिन करना है एक बंदा घर का कर ले सात दिन बाकी लोगों की हिफाजत अल्लाह ने चाह तो हो जाएगी आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें की हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुँच जाए और दोस्तों अभी आप लोग कहीं जाइए मत हम आप लोगों की स्क्रीन पर दो ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस बाग के रोजाई मुबारक का पत्थर आ रहा है खाली आप लोग इस पत्थर की ज्यारत कर यानी कि खाली इस पत्थर को अपनी आंखों से देख ले तो इनशाला आप लोगों के तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल देगा इस पर आप लोग जल्दी से अभी क्लिक करें वीडियो हट जाएगा जल्दी अभी क्लिक कर ले बहुत बहुत शुक्रिया